हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन की दादागिरी रोकने के लिए फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में भेज दिया है बड़ा युद्ध पोत। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर गलवान में पीएलए सैनिकों की मौत से बौखला गया है चाइना, भारतीय दूतावास को कर रहा है टारगेट। जी हां दोस्तों, और ऐसे निकाल रहा है भड़ास। बताएंगे कि चीनी सैनिक अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, भड़ास निकालने के लिए सब बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर एसएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होने को छटपटा रहा है पाकिस्तान, जिसको महंगा पड़ेगा पैगंबर कार्टून विवाद पर फ्रांस से बड़ा पंगा। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर नॉर्वे पहुंची अमेरिकी B-1 बॉम्बर्स, तो रूस ने तानी बड़ी मिसाइल। जी हां दोस्तों, फिर क्या हुआ बताएंगे आपको। साथ ही हर तरह की खबरें आपको बताएंगे दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे पढ़ने से पहले, अगर आप ये मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन की बड़ी दादागिरी रोकने के लिए फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में भेजा है युद्ध पोत। बता दे दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए फ्रांस ने विवादित जल में दो समुद्री यात्रा योजना बना डाली है दोस्तों। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक फ्रांसीसी नौसेना ने कहा है कि उसने 3 महीने के मिशन पर प्रशांत यात्रा के लिए पोर्ट टॉलन युद्ध पोत को रवाना किया है। ये जहाज 2 बार दक्षिण चीन सागर को पार करेंगे और मई में जापान अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेंगे दोस्तों। पिछले सप्ताह फ्रांस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहने पर दक्षिण चीन सागर में चीनी प्रभाव कम करने के मकसद से पनडुब्बी भी तैनात की है। बता दें कि उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी नौसेना 2015 और 2017 में भी इस तरह के मिशन को अंजाम दे चुकी है। उसके युद्ध पोत दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरे थे। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा मिशन हिंद प्रशांत क्षेत्र में फ्रांस की मौजूदगी बढ़ने का बड़ा संकेत है। फ्रांस ने पिछले हफ्ते दक्षिण चीन सागर में एक परमाणु पनडुब्बी तैनात की थी दोस्तों। उसने चीन की चुनौतियों से मुकाबले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपील पर कदम उठाया था। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता आ रहा है दोस्तों, ऐसे में यह बड़ी खबर मानी जा रही है। और अब देखना यह होगा कि फ्रांस चीन को लेकर और क्या क्या कदम उठा रहा है दोस्तों। इससे जुड़ी हर नए अपडेट्स के लिए आपको हम अपडेट करते रहेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां गलवान में पीएलए सैनिकों की मौत से बौखला गया है चीन, भारतीय दूतावास को कर रहा है टारगेट, ऐसे निकाल रहा है भड़ास। बता दे गलवान खूनी संघर्ष की सच्चाई को 8 महीने तक छिपाने के बाद आखिरकार चीन ने कबूल कर ही लिया है कि उस खूनी झड़प में उसके भी 4 सैनिक मारे गए थे और एक रेस्क्यू के दौरान मारा गया था दोस्तों। पीएलए की सेना की मौत को लेकर ड्रैगन के इस बड़े खुलासे के बाद चीन में बड़ा बवाल मच गया है, चीनी लोग बौखला गए दोस्तों। अब वो हेट मैसेजेस अब शब्द व गाली गलौज पर उतर आए दोस्तों। इतना ही नहीं, वहां की सोशल मीडिया में भारत विरोधी संदेशों की बाढ़ आ गई है दोस्तों, और अपनी खींच उतारने के लिए चीनी सोशल मीडिया यूजर्स अब बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि गलवान घाटी हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, तो वहीं चीन ने अपने सैनिकों की मरने की बात को 8 महीने तक दबाए रखा, जिसे लेकर भी वहां के लोगों में काफी रोष है। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी हिंसा को लेकर चीन के बड़े खुलासे के बाद चीन में भारतीय दूतावास के वीवो अकाउंट, जो कि ट्विटर की तरह वाला एक अकाउंट है दोस्तों, उसको अपमानजनक संदेशों से टारगेट किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएलए डेली न्यूज़पेपर में शुक्रवार को चीन ने दावा किया है कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे और एक घायल हुआ था, जो बाद में रेस्क्यू के दौरान मर गया था। इस खुलासे के बाद चीन के लोग काफी भावनात्मक हो गए दोस्तों, और चीनी सरकार पर अपनी बौखलाहट और खींच उतारने की बजाय भारतीय दूतावास के वीवो अकाउंट पर गाली गलौज कर रहा है और अपमानजनक संदेशों से टारगेट
टारगेट कर रहा है। ऐसे में दोस्तों हमारे भी तो यानी कि भारत के भी तो 20 सैनिक मरे हैं, क्या हमने कभी गाली दी? अब तक तो नहीं दी दोस्तों, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा चाइना को कि भारत को कितना दुख हुआ है दोस्तों, जिस प्रकार से चाइना 4 सैनिकों में भी रोता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत 20 सैनिक होने के बाद भी गर्व से जी रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे इस पर। अगली खबर की अगर बात करें तो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने को छटपटा रहा है पाकिस्तान, जिसको महंगा पड़ेगा पैगंबर कार्टून विवाद पर फ्रांस से पंगा। बता दे दोस्तों आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए एक एक दिन गिन रहा है। इसे लेकर सोमवार को पेरिस में बैठक होने वाली है और अगर पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर नहीं निकला तो उसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों से आर्थिक मदद मिलना और मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। हालांकि बड़ी संभावना है कि उसे ग्रे लिस्ट में ही रहना पड़ सकता है, लेकिन खास बात दोस्तों यह है कि इसके पीछे आतंकी फंडिंग रोकने में उसकी कामयाबी नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, फंडिंग रोकने में उसकी नाकामयाबी ही नहीं, एक कार्टून पर विवाद कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो नॉर्वे पहुंचे अमेरिकी B-1 बॉम्बर्स तो रूस ने तानी बड़ी मिसाइल, फिर जंग के मुहाने पर खड़ा किया यूरोप। बता दे दोस्तों जो बाइडन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही रूस के साथ तनाव अचानक चरम पर पहुंच गया दोस्तों। इन दो महाशक्तिशाली देशों के बीच सुलग रही आग में पूरे यूरोप के जलने का खतरा पैदा हो गया है दोस्तों। अमेरिका और रूस पहले से ही बाल्टिक सागर में बादशाहत को लेकर मरने मारने पर उतारू हो गया है दोस्तों। अब इस युद्ध के मैदान पर विस्तार बैरंग सी तक हो गया है। अमेरिका ने जैसे ही अपने सबसे शक्तिशाली परमाणु बॉम्बर्स को नॉर्वे में तैनात किया है, वैसे ही रूस ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह उधर की ओर मोड़ दिया है दोस्तों। माना यह जा रहा है कि अमेरिका नए राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत में ही रूस को चैलेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं रूस किसी भी कीमत पर दबने नहीं जा रहा है दोस्तों। इन दिनों राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी अलेक्सी नवलनी की गिरफ्तारी के बाद से रूस और यूरोपीय देशों के बीच भी तनाव जारी है। यूरोपीय यूनियन जहां नए प्रतिबंधों को लगाने पर विचार कर रहा है, तो वहीं रूस ने भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो वो अपने संबंधों को पूरी तरह से तोड़ लेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ऐसे में बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के भारत दौरे पर बड़े अटकलें लग रहे हैं दोस्तों। जहां सिर्फ इलाज या प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की शिकायत का है प्लान, आपको बता दे दोस्तों नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता बाबूराम भट्टराई एक हफ्ते के लिए भारत में होने वाले हैं दोस्तों। भारत में भट्टराई को अपना इलाज कराना है। हालांकि काठमांडू पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इस दौरे पर भारतीय नेताओं और अधिकारियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के साथ भारत के संबंधों में कुछ खिंचाव के बीच भट्टराई का ये दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। पोस्ट ने एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि दिल्ली आने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नेपाली दूतावास को सूचित किया है कि वो एक या दो दिन रहेंगे, लेकिन उसके बाद के उनके दौरे के बारे में जानकारी नहीं है। दूतावास के अधिकारी ने कहा है कि ये नहीं पता कि भट्टराई किससे मिलेंगे, लेकिन दौरे का मुख्य कारण उनकी सेहत ही है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो भारत और मालदीव ने $5 करोड़ के रक्षा ऋण सुविधा समझौते पर कर दिया है हस्ताक्षर। आपको बता दें कि ये समझौता कितना अहम है। बताएं दोस्तों, विदेश मंत्री SJ शंकर इस समय मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं दोस्तों, जहां पर उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। साथ ही उनका कहना है कि भारत हमेशा मालदीव का एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहा है। भारत ने मालदीव के साथ $5 करोड़ के रक्षा ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों, जिससे इस द्वीपीय राष्ट्र में नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। 2 दिवसीय दौरे पर यहां आए जयशंकर ने मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी से भी मुलाकात की है दोस्तों। उन्होंने ट्वीट किया है कि रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ सौहार्दपूर्ण मुलाकात हमारे रक्षा सहयोग पर उपयोगी आदान प्रदान हुआ है। भारत हमेशा मालदीव का एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ UTF हार्बर परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर करने की खुशी है। इससे मालदीव की तट रक्षक क्षमताएं बढ़ेंगी और क्षेत्रीय HDR परियोजना को मदद मिलेगी। विकास में साझेदारी, सुरक्षा में भी साझेदारी होगी। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत और मालदीव के इस गहरे रिलेशन के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
जरूर कर दीजिएगा मालदीव का। दोस्तों अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो कोयला केस में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा शिकंजा कस दिया गया है। दोस्तों नोटिस देने के लिए घर पहुंच गई है सीबीआई। बता दें पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी जांच के शिकंजे में आ गए। दोस्तों कोल केस में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम उनके घर पर समन दे दिया है। दोस्तों इस समन को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा नरूला ने रिसीव किया। सीबीआई ने उन्हें 5 जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई ने इससे पहले कोयला के अवैध खनन और तस्करी के मामले में 19 फरवरी को बंगाल में 13 स्थानों पर छापेमारी की थी। इनमें कोयले के अवैध खनन में शामिल जयदेव मंडल और लंबे समय से फरार चल रहे कोयला माफिया अनूप माझी उर्फ लाला के ठिकाने भी शामिल थे। इस दौरान कोलकाता, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा में तलाशी अभियान भी चलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी। और बंगाल में कितने हमारे भाइयों को लगता है कि इस बार परिवर्तन हो पाएगा, बीजेपी की सरकार बन पाएगी? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने प्रतिशत लोगों को ये बात लगती है। साथ ही दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट